शंकर जी के तिलक कैसा लगता है? शंकर जी के माथे पर तिलक कैसा लगता है? त्रिपुंड ऐसा क्यों लगता है? शंकर जी ऐसा त्रिपुंड क्यों लगाते? माथे पर ऐसा तिलक क्यों लगाते? चंदन क्यों लगाते? नहीं पता? अरे भाई, भगवान श्रीमन नारायण सदा लेटे रहते हैं। बोलो हाँ। तो शंकर जी बोले कि मेरा मस्तक ही क्षीर सागर है और मेरे मस्तक पर लेटा हुआ वो तिलक लगा लेते हैं, मानो साक्षात नारायण मेरे मस्तक पर विराजे हैं। इसलिए लेटा हुआ तिलक, त्रिपुंड, भगवान के दो चरण शंकर जी के माथे पर नहीं, दो रेखाएं होती हैं। वो तिलक जब लगता है दो रेखाएं निकल के आती हैं, धारियां तो तीन होती हैं पर बीच में स्थान दो होते हैं, तो वो दो स्थान भगवान के दो चरण हैं। भगवान शंकर जी अपने मस्तक पर भगवान श्रीमन नारायण को धारण करते हैं। इसलिए देखो, गंगा कहां से निकली? उत्तर दो। गंगा कहां से निकली? कहां से? कहां से? जब वामन भगवान आए तो वामन भगवान ने दूसरे पग से ब्रह्मलोक नापा। क्या नापा? तो ब्रह्मा जी के लोक में जब भगवान श्रीमन नारायण का चरण गया, वामन भगवान का, तो भगवान के चरणों को ब्रह्मा जी ने धुल लिया था। क्या किया भगवान के? भगवान के चरण ब्रह्मा जी ने धुले और धुलकर वो चरणामृत गंगा जी उसको कमंडल में डाल लिया। और जब भगीरथ ने तपस्या करी तो वही कमंडल का जल छोड़ा जो भगवान के चरणों का धौमन था, वही चरणोदक गंगा है। जब भगवान शिव को पता लगा कि भगवान का चरणोदक गंगा है तो शंकर जी बहुत बड़े भक्त भगवान के, उन्होंने कहा प्रभु आपका चरणामृत, आपका चरणोदक मैं अपने मस्तक पर रखूंगा। तो शंकर जी ने गंगा को कहां स्थान दिया? कहां स्थान दिया? अब बताइए शिव जी कितने बड़े भक्त हैं भगवान के भगवान के चरणों की गंगा को अपने माथे पर रखते हैं। जैसे आप मंदिर जाते हो और आपको चरणामृत मिलता है तो आप चरणामृत पीकर उस बचे हुए जल को सिर पे लगाते हो कि नहीं? यही परंपरा है ना? बोलो हाँ। क्या भाव है कि हम जो भगवान का चरणामृत लिए वो पीने के बाद जो बचा, अच्छा चरणामृत ऐसे ना दूर से पीना चाहिए, मतलब ऐसे चरणामृत जब भी लो ना तो ऐसे लेना चाहिए, नीचे कपड़ा लगाना चाहिए ऐसे। क्यों? कपड़ा नहीं होगा और यदि हाथ से कुछ बूंदें गिर गई जमीन में तो चरणामृत, भगवान का चरणामृत जमीन में नहीं गिरना चाहिए, ऐसे कपड़ा लेकर के। इसलिए पहले के लोग, चाहे पुरुष, स्त्रियां तो पल्लू रखती थी और पुरुष लोग हमेशा अपने पास पुराने बुजुर्गों को देखना अपने कंधे पर एक गमछा जरूर रखने की परंपरा थी भारत में। अपने कंधे पर एक गमछा, एक दुपट्टा रखने की परंपरा थी। बोलो हाँ। इसलिए दास अनिरुद्ध देखो रखता है, पुरानी परंपराओं को फॉलो करते हैं हम, आजकल तो कम ही रखते हैं लोग, आजकल तो लोग दुपट्टे रखते ही नहीं। तो ऐसे चरणामृत लेना चाहिए, चरणामृत लेके पीने के बाद आप लोग कितने लोग मस्तक पे लगाते हो? क्या मतलब होता है इसका? कि हे प्रभु हम आपका चरणामृत अपने माथे से, मतलब ये सम्मान है उस चरणामृत का। ये क्या है? सम्मान है। वो सामान्य पानी नहीं रहा वो भगवान का। उसी प्रकार शंकर जी ने देखा कि भगवान का चरणामृत है, चरणों का धौमन है, तो शंकर जी ने उस चरणामृत को अपने मस्तक पर लगाया जैसे हम सब लगाते हैं। तो शंकर जी बहुत बड़े भगवान के कौन हैं? भक्त हैं। इसलिए शंकर जी के अवतार कौन है? हनुमान जी। हनुमान जी कौन है? राम जी के इतने बड़े भक्त हैं कि राम जी कहते हैं हम तो आपके ऋणी रहेंगे।
बिना हनुमान जी के राम दुबारे तुम रखवारे होते न आज्ञा। बिना आज्ञा के कोई अंदर तो राम जी के दर्शन के लिए किसकी आज्ञा लेनी पड़ेगी? शंकर जी की। शंकर जी मीन्स हनुमान जी की आज्ञा लेनी पड़ेगी। बोलो हाँ। तो बताइए शंकर जी और भगवान नारायण ये कौन हो गए? हाँ, इस धरती के सबसे बड़े भक्त हैं शंकर जी। बिना शिव की कृपा से भगवान कृष्ण, भगवान राम, भगवान नारायण की कृपा मिल ही नहीं सकती। शिव जी की कृपा से ही हमें राम भक्ति मिलती है, कृष्ण भक्ति मिलती है, भगवान श्रीमन नारायण की भक्ति। इसलिए शंकर जी से कहो मुख और कछु ना चाहिए, बस राधा कृष्ण मिलाई दे। शंकर जी के मंदिर जाओ और शंकर जी से कहो, हे शंकर जी, जिनको आप अपने हृदय में बसाते हो, जिनका आप ध्यान करते हो, प्रभु ऐसी कृपा करो कि हम भी उनका ध्यान कर सकें, हमारा भी चित्त, हमारा भी मन प्रभु के चरणों में लग सके। मुख और कछु ना चाहिए, बस राधा कृष्ण मिलाई दे। शंकर जी के पास जो त्रिशूल है वो भगवान श्रीमन नारायण ने शंकर जी को दिया, और भगवान श्रीमन नारायण के पास जो चक्र है वो भगवान शिव ने भगवान को चक्र भेंट किया। तो भगवान बड़े प्रेम से हरि हरि और न भेदा एक दूसरे के पूरक हैं। और कुछ लोग यहाँ लड़ाई करते हैं कि जी हम तो शंकर जी के भक्त हैं, हम तो कृष्ण जी, अब ये अज्ञान नहीं तो क्या है? इसलिए आपको उस अज्ञान में उलझना नहीं। शिव जी के मंदिर जाओ तो यही प्रार्थना करो कि हे शिव जी, जिन श्रीमन नारायण का ध्यान आप करते हैं, हमारा भी मन उन्हीं श्रीमन नारायण में लग जाए, उन्हीं राम में हमारा मन लग जाए।